के लिए उम्र के बराबर के कभी जिन्होंने देश को दिशा दी, वो दिशा से आज का युवा जो हमारे जमाने का युवा था, वो तो बाबा साहब के रक्तों सम्मान पूर्वक यहाँ तक ले गया। आज के बाद वर्तमान युवाओं का कर्तव्य है, अधिकार है कि जो आज की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों पर अपना लेकर सामग्री, अपने विचार देश की जनता को दें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक प्रवचन में उन्होंने कहा था, नौजवानों आपको भारत से यह है, भारत से हो। तो बाबा साहब ने कहा था कि तुम सब भारतीय हो, मध्यम भारतीय हो, अगर नवी भारतीय। तो युवाओं, आपने इस प्रवचन से, बाबा साहब के प्रवचन से अपने आप को आज से और जब तक आपका जीवन है, बुद्ध ने कहा है कि मानव को अंतिम सांस तक, अंतिम क्षणों तक क्रियाशील रहना होगा। बीच में गतिविधियां गलत हुई, हमसे संदेश विस्तृत हो। बाबा साहब ने कहा कुछ, बुजुर्गों ने कहा कुछ, हम लोगों ने निजी स्वार्थ बस अपने लाभ की बात को तो उजागर किया, लेकिन जो देश, धर्म, समाज की प्रतिक्रिया को भूल करके अपनी तरफ आकर्षित रहे। आज के युवाओं, आपके ऊपर अम्बेडकर वाली विचारधारा, अरस बुद्धि की विचारधारा, इनको सदिन प्रतिदिन लोगों को कहकर के सकते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो। जब तक चिंतन रहेगा, चिंता दूर होगी। चिंतन नहीं होगा, चिंता रहेगी, आपको खा जाएगी। मेरे से ज्यादा कार्य करने वाले जिनका सम्मान हो रहा है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि अपनी लेखनी के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा, अपने मूल कर्तव्यों के द्वारा उन्होंने अपने मूल अधिकार की बात कही थी, मूल कर्तव्य की बात। तो मूल कर्तव्य को लेकर करना है आज शिक्षाओं को, आज संयोग देकर संजोगों का तकनीकी शब्दों से भाग करूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मेरे जैसे व्यक्ति, 91 वर्ष के आदमी को आपने सम्मानित किया, इससे बड़ा मेरे लिए क्या गौरव होगा। आज के युवा ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाले कि जो अपने कर्तव्य से हमें आगे ले जाए और हम उनका आगे सम्मान करें। इन शब्दों के साथ आज के आने लोगों का, आज के युवाओं का, इस कॉलेज के कार्यकर्ताओं का, अफसरों का, अधिकारियों का मैं आभार करते हुए नमो बुद्धाय, जय हिंद।